Hello, hi, this is Anamika and welcome to Metro TV. Now time for Bollywood news. फरहान अख्तर की मोस्ट अवेटेड फिल्म रॉक ऑन 2 का टीजर रिलीज हो गया है। ये म्यूजिकल ड्रामा फिल्म 2008 में आई रॉक ऑन का सीक्वल है। इस फिल्म के टीजर रिलीज पर पूरी फिल्म की टीम ने मीडिया से इंटरेक्ट किया। फिल्म रॉक ऑन में दिखने वाली प्राची देसाई भी इस फिल्म में अहम किरदार में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के मौके पर प्राची अपने हॉट लुक में मीडिया को खूब पोज़ देती दिखी। साथ ही प्राची ने फिल्म में अपने किरदार से जुड़ी बातें भी शेयर की। मुझे लगता है साक्षी मेरी तरह शायद बस एक बाथरूम सिंगर है, तो स्टेज पे नहीं आती है, गाना नहीं गाती है, इनके साथ वो ये लोग वो कमी पूरी कर देते हैं। बट आई थिंक इनको सुनने में, इनको जैम करते हुए देखने में और वो सब मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया और मैं थोड़ी इंस्पायर्ड हो गई। तो तब से आई थिंक आई इंक्रीज माई बाथरूम सिंगिंग, बट एज द कैरेक्टर आई थिंक साक्षी अनफॉर्चुनेटली अभी भी नहीं गाती है। और उनका साथ दिया अर्जुन रामपाल ने। अरे मैच तो होना चाहिए, सीक्वल है भाई साहब। लेकिन हाँ, अगर जिस तरीके उन्होंने रॉक ऑन 2 का जो किरदार लिखा है, जो 8 साल बाद आप उनसे इनकी मुलाकात हुई है, दर्शक की मुलाकात हुई है उनके साथ, मेरी भी हुई थी उसी हिसाब से, तो क्या हो बीती उस 8 सालों में वो ये कहानी, और उसी प्रकार से मुझे भी एडजस्ट करना पड़ा। क्या होता है कि हर हम सब बदलते हैं दुनिया, यू नो, चेंजेस इन एक्टिविटी, तो उसी हिसाब से जब मेरा भी किरदार काफ़ी बदला है और किस हिसाब से बदला है उसे, किस तरीके से आई हैड टू एम्ब्रेस हिम, क्योंकि जो एक बहुत ही जो कैरेक्टर है वो वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और जब कुछ अलग दे जाते हैं एक निर्देशक आपको कि आप किस तरीके से उसे पोर्ट्रेट कीजिए, क्योंकि ये सब हुआ है जो कि ज़िंदगी में, तो हाँ थोड़ी बहुत इनिशियली मुश्किल आप महसूस करते हो कि ये मुश्किल होगा, लेकिन तो जो बेसिक होता है एक किरदार का, जो फाउंडेशन होता है, वो कभी नहीं बदल सकता। रॉक ऑन फिल्म की तरह इसके सीक्वल में भी फरहान अख्तर, अर्जुन रामपाल, पूरब कोहली, प्राची देसाई ऑडियंस के सामने मैजिक क्रिएट करते दिखेंगे। इस नई फिल्म में श्रद्धा कपूर फरहान अख्तर के ऑपोजिट होंगी। फरहान अख्तर का मानना है कि इस फिल्म में म्यूजिक देना किसी चैलेंज से कम नहीं है। We want the locations to be good, and most importantly, I think we have a certain responsibility to the first film and to the people who have really kept that film alive, kept the memory of that film alive, that when they watch this film, you know, they really feel like we've made it again with the kind of love that we made the first one. I think that is probably the biggest challenge, to live up to that. और साथ ही श्रद्धा ने बताया कि वो रॉक ऑन के सीक्वल में काम करना क्यों चाह रही है। I think आपको मेरे डायरेक्टर से पूछना चाहिए सो आई थिंक इट्स ऑल इन माई गुड फॉर्चून। मैं एक्चुअली बहुत लकी हो गई, क्योंकि आई फील कि मैं रॉक ऑन 1 की सबसे बड़ी फ़ैन हूँ, और जब मैंने वो फिल्म देखी थी मैंने तय कर लिया था कि अगर ये एक सीक्वल बनाएंगे तो मैं उसमें डेफिनेटली रहूँगी, तो वो हो रहा है, तो इट्स लाइक ये बहुत ही एक वॉटर डाउन तरीके में आपको बताया पहले प्रॉपरली आप थिएटर में बैठी थी, फिल्म खत्म हुआ, पेरेंट्स साथ में थे, शी गॉट अप एंड शी लुक्ड एट मी एंड सेड इफ दे मेक अ सीक्वल आई वुड बी इन इट, ऐसा ही कुछ। सो एंड या सिंस आई लव सिंगिंग ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग, सो आई वाज वेरी हैप्पी कि दे डिसाइडेड टू मेक रॉक ऑन 2 एंड दे वांटेड मी इन इट, सो आई वाज वेरी थ्रिल्ड। वेल, श्रद्धा कपूर इस फिल्म में काम करके बेहद ही खुश नजर आ रही हैं। बता दे, सुजात सौदागर के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म इसी साल 11 नवंबर को रिलीज होनी है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन सत्य घटनाओं पर आधारित टीवी का मशहूर क्राइम शो सावधान इंडिया की मेजबानी कर सकते हैं। खबरों की माने तो सावधान इंडिया का ये खास एपिसोड होगा, जिसके 2 एपिसोड के होस्ट अमिताभ बच्चन होंगे। दरअसल अमिताभ इन दिनों अपनी आने वाली मूवी पिंक के प्रमोशन में बिजी चल रहे हैं।
अमिताभ बच्चन की मूवी पिंक सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड है। ये मूवी वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने वाली मूवी है। सावधान इंडिया में अपराध की सच्ची घटनाओं पर बेस्ड कहानियां दिखाई जाती हैं। डायरेक्टर सुजीत सरकार की इस मूवी में तापसी पन्नू की भी अहम भूमिका है। मूवी पिंक क्रिमिनल केसेस में फंसी तीन लड़कियों की कहानी होगी और यही वजह है कि अमिताभ बच्चन अपनी फिल्म पिंक का प्रमोशन करने सावधान इंडिया जाएंगे। खबरें हैं कि अमिताभ शो के नए अभियान के लिए शूटिंग कर रहे हैं। बिग बी इसके दो एपिसोड को होस्ट करेंगे। इस शो का टेलीकास्ट अगले महीने तक किया जाएगा। फिलहाल बॉलीवुड खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बी वेट मेट्रो टीवी। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।